जय हिंद दोस्तों। कुछ छात्रों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप संसार मंथन मंथन असाइनमेंट SMA दे देते हैं अपनी वेबसाइट पर उसका आंसर आप चेक नहीं करते हैं। तो आप भी जानते हैं कि मैं कार्यालय में बहुत बिजी रहता हूँ तो समय नहीं मिलता है कि ये सब कर सकूँ। प्रश्न भी दे देता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी मैंने एक पेज बनाया है वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ पर जाकर आप देखिएगा कि एक नया पेज आपको मिलेगा हमारे एक उसमें ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, तो वही एक पेज खुलेगा। यहाँ पर लिखा रहेगा अपलोड UPSC असाइनमेंट संसार मंथन असाइनमेंट, ठीक है SMA। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि सप्ताह में 3, जैसे गारंटी में नहीं लेता हूँ, फिर भी 3 बार कम से कम प्रश्न यहाँ पर आपको दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। आप उस प्रश्न को अपने कॉपी में लिखिए, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिए, साफ़ सुथरे हैंडराइटिंग में लिखिए और फ़ोटो भी अच्छा से खींचिए ताकि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि मैं उसको प्रिंट आउट निकालूंगा। यदि आप चाहते हैं कॉपी में नहीं लिखना तो यहाँ पर आंसर बुकलेट PDF मैंने डाल दिया, डाउनलोड लिंक डाल दिया है, उसको प्रिंट आउट करा लें और उसमें लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि आपको अंत में मेंस में उसी में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कॉपी तो वहाँ आपको मिलेगा नहीं, तो उसको कीजिए और उसको स्कैन कीजिए, ठीक है, अपने अपने मोबाइल में। आजकल स्कैनर ऐप आता है, उस पर आप उसको स्कैन करके PDF में सेव कर लीजिए। और आपको क्या करना है कि अपना यहाँ पर नाम लिखिए, ईमेल पता अपना ज़रूर लिखिए, दोनों मैंडेटरी फील्ड है, और यहाँ पर अपलोड योर आंसर चूज़ फाइल करके उस फाइल को जो आपने लिखा है, उसको आपने फ़ोटो लिया है जिसका, उसको चूज़ फाइल करके आप यहाँ पर डाल दीजिए। और याद रहे कि 10 MB से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जाएगा नहीं वो। तो ऐसे आपको 2-3 MB का ही फाइल बनेगा मुझे लगता है। तो एक प्रश्न है रहेगा, सप्ताह में आपको 3 बार मिलेगा, ठीक है। तो जिसका भी आंसर मुझे अच्छा लगे तो उसको अगले वीडियो में बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं, क्या अच्छा हो सकता था मेंस में, जो आपका राइटिंग है क्या उसमें आप अच्छा कर सकते थे, क्या जोड़ सकते थे, डाटा का अभाव है, ग्राफिक कुछ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए अपने आंसर में, ये सारी बातें करूँगा। और जो नया नए हैं, जो मेंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और अपना उत्तर जो आप लिखते हैं वो किसी को दिखा नहीं सकते हैं, तो मुझे आप दिखाइए। और आप जाओगे देख लोगे साइट में बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, नई नई चीज़ें, नई नई फीचर्स हैं। जैसे रजिस्टर यदि आप करोगे तो आप ग्रुप में जाकर एक ग्रुप बना सकते हो अपने दोस्तों का, और वहाँ जाकर आप लोग आपस में बात भी कर सकते हो, अपना प्रोफाइल बना सकते हो, वो सब आप देख लेना। यहाँ मैं आप उतना नहीं बताऊँगा आप, मगर बिना रजिस्टर किए यदि आप रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं साइट पर, तो यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ लीजिए और उसका आंसर लिखिए और अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फाइल चूज़ करके उसको सबमिट कर दीजिए। एक और चीज़ मैं अभी छात्रों को उत्साहित करने के लिए एक नई फीचर लाया हूँ, उसमें है कि अच्छा हाँ, मैं सब सभी आंसर को चेक नहीं करूँगा, सभी सभी आंसर को चेक करूँगा, मगर उसको जो यूट्यूब बनाऊँगा, यूट्यूब जिसका जो फीडबैक दूँगा वो 2-3 ही आंसर को दे पाऊँगा, क्योंकि उतना समय नहीं है कि इसमें जो मुझे अच्छा लगे उत्कृष्ट उत्तर को मैं विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करूंगा, अपना मंतव्य दूंगा, ठीक है। एक नया फीचर लाया हूँ कि महीने में 1 या 2 बार, ठीक है, एक महामंथन मेंस टेस्ट सीरीज, जिसमें 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, एक बार में 5 क्वेश्चन रहेगा, उसको आप जवाब देना, ठीक है। मगर आप मैं कहूँगा कि इसको रजिस्टर कर ही लो आप, ताकि मुझे ईमेल आईडी का पता लगे और मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि वो महामंथन मेंस टेस्ट सीरीज कब आने वाला, आपको मेल के जरिए मैं भेज दूँगा। तो उसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको सारा का जवाब देना है और फिर वही सेम प्रोसेस करना है जो अभी मैंने बताया। अपना नाम लिखिएगा, ईमेल एड्रेस लिखिएगा, उस फाइल को सबमिट कर दीजिएगा। तो यदि मुझे 3 आंसर अच्छा लगे किसी बच्चे का, ठीक है, तो मैं उसको डाल दूँगा अपने वेबसाइट में भी डालूंगा और उसको उस पर चर्चा करूंगा, और उन्हें फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। मेरी तरफ से एक कुछ इनाम है, एक है पहला है टी शर्ट मैंने रखा है जिसमें लोचन एकेडमी की ब्रांडिंग होगी और आपका भी नाम रहेगा और कैप भी है,
एक सेकंड प्राइज कैप है, इसमें आपका नाम रहेगा और लोचन अकेडमी की ब्रांडिंग रहेगी। थर्ड प्राइज है पेन है, जिसमें आपका नाम रहेगा और लोचन अकेडमी की ब्रांडिंग रहेगी। तो यही है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ताकि उत्साहित हों छात्र उत्तर देने के लिए। और तो आप समझ ही गए होंगे इसमें, यदि आपको रजिस्टर नहीं करना, रजिस्टर केवल उन लोगों के लिए जो ग्रुप मेंबर ये चैट वैट पर विश्वास रखते हैं, आपस में बात करने के लिए अपना प्रोफाइल बनाइए वगैरह वो सब कीजिए। यदि आप नहीं करना चाहते हैं रजिस्टर, तो बस इस लिंक को क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सप्ताह में 3 बार बदला हुआ अलग अलग, और वहाँ पर आप उसको लिख कर मुझे भेजिए। उत्कृष्ट 3 उत्तरों को मैं चुनूँगा और पढ़ूँगा सबका, जिसका भी आए 100 आएगा तो 100 पढ़ूँगा, मगर 3 मुझे जो अच्छा लगेगा उसको मैं चयन करूँगा और उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आप गलती किए। और जो महामंथन मेन स्टेज सीरीज है, तो उसके बारे में मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा आपको। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। बस इतना ही करने के लिए आया था ऑनलाइन, ठीक है, चलिए, जय हिंद।